या दूसरी या तीसरी या चौथी? कौन सी किताब पाठशाला है? कौन सी है? नहीं, उससे पहले कहाँ थी वो? उधर रही थी, यही थी ऊपर। हाँ ऊपर थी ना, ऊपर नीचे है तो ये एक ही कलाई मगल स्थित है ना, पहले भी थी है। तो ये पहले नंबर की गीता पाठशाला, फिर उसके बाद आवड़ी मंदिर, फिर तीसरी बार तीसरी बार मुखली, अभी तो तीन ही है। छाया माता का, छाया माता का छाया सवा टा हो गए 45 मिनट। बाबा शास्त्रों में शिव का बच्चे कार्तिकेय और गणपति को बताते हैं, शिव का बच्चा, शंकर का बच्चा, लेकिन कृष्ण का बच्चा और विष्णु का बच्चा नहीं बताते। कृष्ण को कोई बच्चा नहीं, कृष्ण को तो सबसे ज्यादा बच्चे दिखाए। हाँ, एक एक रानी से कितने कितने बच्चे पैदा किए, 16,000 रानियां, उनके बच्चे को कुछ सवार है। प्रोमिनेंट नहीं दिखाए तो प्रोमिनेंट आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी का नाम बाला है कि नहीं भारतवर्ष में? महात्मा गांधी का नाम बाला है या नहीं है? है, उनके बच्चों का नाम कोई बताएगा? तो प्रोमिनेंट उनके बच्चे नहीं है। गांधी जी प्रोमिनेंट है लेकिन उनके बच्चे, उनका कोई नाम नहीं जानता। ये भी बेहद का गांधी है। कौन? ब्रह्मा कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण वाली आत्मा स्वयं तो प्रोमिनेंट है क्योंकि भगवान बन के बैठ गई, मैं ही गीता का भगवान हूं। लेकिन उनके बच्चों का नाम कोई भी जानता नहीं। बाबा ने बोला कि एक आत्मा है, ब्रह्म धाम खाली नहीं होती है, है? तो बाबा जो ऊपर से उतरती है आत्मा लास्ट में, इधर से पहली आत्मा पहुंचती है, तो बाबा जब तक सारी आत्मा तो सारी छोड़ चुकी होती है, वो आत्मा ऊपर से उतरती है तो वो न सुख भोगती है न दुख भोगती है, और किसी का सही में प्रवेश नहीं कर सकती है, है? किसी का शरीर तो बाबा होता नहीं है धरती से। आप भूल गए कि जब विनाश होगा दुनिया का तो इतनी चारों तरफ दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी कि नहीं? लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी तो सारी दुनिया ठंडी पड़ जाएगी टेम्परेचर में, या नहीं होगी? टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाएगा कि सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ, हिंदुस्तान में भी बर्फ, जम्बूद्वीप में भी बर्फ, बाकी सारी दुनिया समंदर में पहले ही डूब गई एटम बमों के फटने से, भूकंप आने से। लेकिन जो रही सही दुनिया थी वो भी मूसलाधार कई दिन तक बरसात होने से टेम्परेचर इतना गिर गया कि बर्फ ही बर्फ हो गई। उस बर्फ में राजयोगियों के शरीर सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे? जिन्होंने अपनी आत्मा को कंचन बनाया, उनकी आत्मा के साथ उनके शरीर उनका साथ देंगे या नहीं देंगे? आत्मा तो शरीर ऊपर चमक जाएगी, शरीर रहेगा ही नहीं रहेगा, उसी शरीर में आगे फिर प्रवेश करेगी। तो उस शरीर में वही आत्मा प्रवेश करेगी ना जिसका शरीर होगा, दूसरी क्यों आएगी? नहीं, मेरा पूछने का मतलब है बाबा, जो बाबा ने कहा कि एक पहली आत्मा ऊपर पहुंचती है तो ऊपर से लास्ट आत्मा जो उतरती है, हा? वो आत्मा मतलब न सुख भोगती है न दुख भोगती है, आप किसी प्रवेश करने के लिए कोई शरीर तो नहीं होता ना। जो कीड़े मकोड़े होते हैं बरसात में, रात में पैदा हुए रात में खत्म हो गए, उनका कोई सुख दुख है? उनका कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं, इसलिए उनका नंबर भी नहीं मुरली में बोला है, इतनी मनुष्यात्मा बोली है।
550 करोड़ बस, बाकी जो 200 करोड़ है वो तो कीड़े मकोड़े मिसल हैं, कीटाणु हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो लास्ट उतरेगा तब जब यहाँ से फर्स्ट पहुंच जाएगा प्रजापिता, तब तक वो सब कहाँ रहेगी? सूक्ष्म बदल रहेगी। जब तक सारी दुनिया का विनाश हो, शरीर छोड़ने वाले शरीर छोड़े, जिन्होंने अपने शरीर को कंचन नहीं बना पाया, आत्मा को संपूर्ण नहीं बना पाया 4.5 लाख के अलावा, वो सब शरीर छोड़ छोड़ करके परमधाम नहीं जाएंगे, सीधे कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म पतन में टिकेंगे। लास्ट में जब प्रजापिता वाली आत्मा शरीर छोड़ेगी, लास्ट में छोड़ेगी या पहले छोड़ेगी? उसको शरीर छोड़ते कोई देखेगा है? उसको मरते कोई देखेगा? उसको जन्म लेते कोई देखेगा? उसको कोई बाप ही नहीं है, उसको ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं है। तो वो आत्मा लास्ट में जब शरीर छोड़ेगी, सूक्ष्म पतन से होते हुए परम धाम में जैसे ही प्रवेश करे, वैसे ही लास्ट आत्मा नीचे आए, तो खाली हुआ क्या? वो भी आकर के बर्फ में ऐसे ही चिपक चिपका खत्म हो जाएगी, क्या फायदा हुआ? इसलिए उनकी कीड़े मकोड़ों के बारे में क्या सोचते हैं? मनुष्य के बारे में पहले सोचना चाहिए। और सजा नहीं खाई गया, इसलिए उसका पद तो बहुत ऊंचा होने का है। उसके बारे में पद के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता। नहीं, पद के बारे में मालूम है? आप कथा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, शादियां करते हैं, तो उन नवग्रहों की पूजा करते हैं कि नहीं? नारायण नहीं तो सबसे ज्यादा मंदिर तो अष्टदेवों के दक्षिण भारत में ही है, उत्तर भारत में तो मंदिर भी नहीं है। वो नारायण व्यक्ति जैसा उतना पद नहीं मिलेगा ना किनको? बाप के असली बच्चे होते हैं वो अपनों को आगे करते हैं या बाप को आगे करते हैं, ये आपकी इच्छा है। वास्तव में जो सूरज के बच्चे हैं, सूर्यवंशी सितारे, वो अपनी रोशनी को सूरज में मिक्स कर देते हैं या अलग से रोशनी दिखाते हैं? सूर्य मिक्स कर देते। चंद्रमा के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? अपने को प्रत्यक्ष करेंगे और बाप को कर रहे हैं। बेसिक में क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को गुप्त कर दिया या प्रत्यक्ष कर दिया? गुप्त कर दिया। 25 वर्ष गिनती नहीं है बोल रहे हो? 25 वर्ष गिनती नहीं है, सुख का दिन गिनती नहीं है। 250 वर्ष सुख का दिन गिनती नहीं बोल रहे, लेकिन 5000 वर्ष चक्र हुआ। 5000 वर्ष चक्र का व्यक्ति हुआ। 5000 वर्ष चक्र कैसे हुआ? दिन के तो गिनती नहीं बोल रहे। बाप ने आकर बताया, किसी दूसरे ने बताया क्या? ये तो बाबा ने आकर बताया ये सृष्टि 5000 वर्ष की। हम जानते थे क्या? हम तो बस 2500 वर्ष के बारे में जानते हैं, बाकी लोगों को तो झूठ ही ऐसे ही कह दिया। लाखों वर्ष की सृष्टि है, कोई प्रूफ है? इस बात का तो प्रूफ है कि 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री है हमारे पास मनुष्यों की, वो अंधकार की हिस्ट्री है, रोशनी की हिस्ट्री नहीं है। दुख की हिस्ट्री है, सुख की हिस्ट्री नहीं है, इस बात का प्रूफ है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि अंधकार रात्रि जब 2500 साल की है तो दिन कितने साल का होगा? रात और दिन बराबर बराबर होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि 6 घंटे का रात हो जाए और 12 घंटे का दिन हो जाए, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो 2500 वर्ष का अगर रात हो सकती है तो 2500 वर्ष का दिन भी जरूर होगा। लेकिन इतनी बुद्धि हमारी नहीं चलती है, हमको आके कौन बताता है? बाबा आके हमको बता देता है। शिव बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि में ये बात डाली कि मैं महाशिवरात्रि में आता हूँ, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आता हूँ, कलयुग के अंत में
जबकि सारी दुनिया अंधी हो जाती है देह अभिमान में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंधी हो जाती है। अरे दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे ज्ञान का आईटी पढ़ रहे हैं, काका गागा एबीसीडी पढ़ रहे हैं कि बड़े हैं, क्या है छोटे बच्चे है तो महात्मा ना, महात्मा है या पापात्मा कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो महात्मा ही है। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे अज्ञान अंधकार में है या रोशनी में है, अपने बाप को जानते हैं, नास्तिक है या आस्तिक है, नास्तिक है। दुनिया वालों की तो बात छोड़ो, यहाँ जो ब्रह्मा के बच्चे बन गए वो ही नास्तिक, वो ही अज्ञान अंधकार। अच्छा उनकी भी बात छोड़ो, यहाँ एडवांस में जो आ गए कोई छाती ठोक के कहेगा मैं हमेशा निश्चय बुद्धि बन के रहता हूँ, मैं और मेरा सारा परिवार भगवान बाप का बन गया, इतना निश्चय मेरे को पैदा हो गया, अब मेरा निश्चय कभी टूटने वाला नहीं है। कोई है, कोई है? आज निश्चय होता है कल भगवान हो सकता है, ऐसे है भगवान, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज निश्चय पैदा होता है कल निश्चय पैदा हो जाता है, किसी ने कान में कुछ सुनाया भगवान है, भगवान है कि शैतान है, रोज माया बुद्धि नीचे ऊपर कराती रहती। तो सारी दुनिया में एक एक मनुष्य मात्र तम प्रधान हुआ पड़ा, कोई निश्चय बुद्धि में जाते नहीं है, सब अनिश्चय बुद्धि में हो जाते हैं। और अभी तो 4-6 साल और पड़े हुए हैं तम प्रधानता बढ़ने के, ये तम प्रधानता बढ़ेगी दुनिया में या घटेगी? अभी तक क्या होता है, भले हमने एडवांस नॉलेज ले ली, तम प्रधान बन रहे हैं कि सतो प्रधान बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? हाँ देखने में आता है जो नई नई आत्माएं निकलती हैं उनका तो एकदम नशा चढ़ जाता है, बाकी फिर जहाँ काना पूसी हुई शुरू बस फिर अवस्था खराब कर रहे हैं, बोना शुरू हो जाती है। तो प्रधान बन रहे तो अज्ञान अंधकार की रात्रि जब इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया वाले तो उनकी बुद्धि खराब है ही, उनको छोड़ दो, जो भगवान के बच्चा बुद्धि जैसे बच्चे हैं उनकी भी बुद्धि खराब, और जो अपने को सालिम समझते हैं कि हमने ज्ञान लिया हुआ है हमने भगवान बाप को पहचाना है स्टाम्प पेपर में लिख के दे देते हैं हम निश्चय बुद्धि हैं, वो भी अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। आगे चल के ऐसे अनिश्चय बुद्धि बनेंगे कि बाप को बिल्कुल ही भूल जाएंगे, गालियां देने लग पड़ेंगे, क्या? लेकिन सभी तो ऐसे नहीं बनेंगे ना, 8 के अलावा सब ऐसे बनेंगे, 8 सजा नहीं खाएंगे क्योंकि वो ग्लानी नहीं करेंगे 8, और बाकी सब ग्लानी करेंगे। लेकिन बाबा दुनिया वाले तो और ग्लानी करेंगे तो सजा खाएंगे कि नहीं है? दुनिया वाले तो बाबा अपने डंडा लेकर बैठे हुए हैं, अगर जब बाप की ग्लानी करेंगे तो और फिर ना करेंगे, तो डंडा लेके थोड़ा बैठे हुए हैं, इतना डंडा लेके तो नहीं बैठे कि आप घर बार छोड़ करके बाउंड आऊ भागो, इतने तो नहीं पीछे पड़े, आगे चल गए ऐसे पीछे पड़ेंगे, ऐसे डंडा लेके पड़ेंगे कि तुम्हें इस दुनिया में रहने की वो दिखाने की दिल नहीं होगी। अरे बाप रे कैसे इनको मुंह दिखाएं, सीधे छोड़ के भागेंगे भाई, कहां बाबू तो अच्छा ही है ना भावने को तो मिलेगा, माउंट आबू पहुंचते माउंट आबू पहुंचने का तो मौका मिल जाएगा, पहुंचने का मौका मिल, अभी नहीं मौका नहीं देंगे, जब सर के ऊपर डंडा बजेगा तभी मौका देंगे, अरे पहले ही मौका दे दे तो पहले मुंह में फंस जाता है ना बाबा, अभी तो मुंह में फंस गए ना बच्चे हैं, वो डंडे लगेंगे तभी छूटेगा। ज्ञान में ही अगर कॉन्ट्रोडिक्शन होते हैं तो कॉन्ट्रोडक्शन 2-4 बताओ ना, चुपचाप काहे के लिए बैठे कॉन्ट्रोडक्शन बताओ, इसीलिए तो बाबा क्लास करा रहे हैं अभी,
हाँ बताओ कौन सा कॉन्ट्रोडक्शन है? जैसे कि वो साकार मनन चिंतन उदन करते हैं वैसे भी बोला गया, हाँ, और निराकार निराकार अमन भी बोला गया। निराकार अमन नहीं है, अमन तो है हाँ, लेकिन उसको मन है नहीं, वो तो वो सोचता है नहीं, देवता है वो असोचता है कि सोचता है निराकार, निराकार तो सोचती जरूर तो असोचता है ना, जब असोचता है तो अमन हुआ ना, वो अमन है। तो इसी बात है, मतलब कभी साकार होता है कभी निराकार होता है, कौन साकार? मुझे याद, मुझे याद ऐसे होता है ना, मुझे कभी याद, मतलब मुझे ऐसा फील होता है ना, क्या फील होता है कि कभी साकार बात कर रहा है कभी निराकार बात कर रहा है। ये आपकी गलती है, आपका निश्चय और अनिश्चय बुद्धि है, आपकी बुद्धि की कमी है न कि उसकी कमी है ऊपर वाले की, कमी नहीं है तो आपकी कमी है। कभी आपको निराकार लगता है कि निराकार बोल रहा है, नहीं, जैसे कि कभी लगता है कि साकार बोलता है, जैसे कि टैली करते हैं ना, किससे टैली करते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब टैली करके बोलते हैं ना, निकालो बोल टैली, टैली करके वो बातें लौकिक, वो दो बातें निकालो, जैसे कि मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण बुद्ध, फिर मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है, तो दो बातें कंट्राडिक्टरी हो गई, हो गई नहीं, लेकिन एडवांस ज्ञान में आए तो हमको समझाया गया कि ब्रह्मा की बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण बुद्धू है ना, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं कि लक्ष्मी नारायण समझदार है, ये उन्हें पता ही नहीं है कि संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं नरसिंह डायरेक्ट नारायण, वो समझदार है, सारे विश्व के मालिक बनते हैं, तो बात क्लियर हो जाती है कि बाबा ने एक तरफ मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण समझदार है, वो भी बात सही, कौन से लक्ष्मी नारायण के लिए बोला, संगम युग लक्ष्मी नारायण के लिए बोला, फिर दूसरी मुरली में लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है उनको बवाते कंट्राडिक्टरी लगती है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान हो जाता है उनको कंट्राडिक्टरी लगने की कोई बात ही नहीं है, ज्ञान में भगवान और भगवान की बातें दोगली होंगी, भगवान एक ही बात बोलेगा या दो बातें चार बातें बोलेगा, झूठे आदमी बार बार बातें बदलते हैं, भगवान बातें बदलता है फिर, लेकिन एक ही तरह से दोनों पार्ट बचते हैं ना, क्या तो हुआ एक आदमी में दो दो चार चार आठ आठ भूत नहीं प्रवेश करते हैं। वो तो है, तो फिर वो बीसियों तरह के पार्ट नहीं बजाता है, मुझे फीलिंग हो रहा है बस ऐसे ही, ऐसे ही समझ लो, ज्ञानी तू आत्मा जो है वो समझ सकेगी, जो अज्ञानी होंगे वो इन बातों को थोड़ी समझेगी, ये तो त्रिमूर्ति से भी ही बताया है, तीन ही आत्माएं हैं औरों में तो चौदह चौदह ढेर की ढेर दर्जनों दर्जनों आत्माएं प्रवेश करेंगी, सब भाई मेला मच जाएगा, और बाबा हाँ ज्ञानी होने के बावजूद फिर भक्ति का संस्कार ज्यादा रहता है, हाँ जैसे आप किसी कैसेट में बताया गया कि चंदा नाम बोलते रहे, बहुत तंग करेंगे तो नाम भी बता देंगे, बहुत तंग करेंगे हाँ तो उनका नाम भी बता देंगे बोलकर, चंदा नाम बोलकर बताया गया कैसेट, और जैसा ब्रह्मा बाबा का संस्कार भक्ति का है, जगदम्बा का है, जो ज्ञानी होते हुए भी उनसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, फिर भी भक्ति का वो बोलेंगे हम ही जो है, जैसे तत्वमसी ब्रह्मास्मि ऐसा पाठ बजाते हैं, वो ज्ञानी होने के बावजूद बाबा ज्ञानी है कहाँ, ज्ञानी किसे कहा जाता है? नहीं, बाप को पहचान नहीं, ज्ञानी कहाँ किसे जाता है? जो बाप को तो आप क्यों कहते हैं वो ज्ञानी? नहीं नहीं, बाप के साथ तो इतना दिन रहे तो उनसे क्या होता है, साथ में रहने वाले सब ज्ञानी हो जाते हैं, इतना साल उनसे भी कोई मुकाबला भी नहीं करता, ऐसे कितने पति पत्नी है ज्ञान में चलने वाले जो साथ में ही रहते हैं, साथ में ही सोते हैं, साथ में ही खाते हैं, लेकिन एक ज्ञान में चलता है दूसरा ज्ञान में सारा जीवन नहीं चल रहा है, सारा जीवन विरोधाभास में, तो साथ में रहने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। तो अच्छे अच्छे जो आत्मा बाबा के साथ रहने वाले भी वो हाँ, फिर हाँ वो भी नीचे गिर जाते हैं, माया उनको हाफ कर लेती है, लेकिन जगदम्बा से भी बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञानी किसे कहा जाता है? मुंका बक्का हो उसे ज्ञानी कहा जाता है, या जो प्रैक्टिकल जीवन में रचा पचा हुआ हो उसे ज्ञानी कहा जाता है, रावण को ज्ञानी कहेंगे या मुंका बक्का पंडित जी कहेंगे,
नहीं बोला गया इसलिए तो बोल रहा हूँ किशन, तू दूसरों को बोल ले दो ना, तुम तो सच्चाई बोलो। मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, जो जो मुरली में बोला गया। मुरली में क्या बोला गया? जगदम्बा से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वो बक्का या प्रैक्टिकल जीवन में? अरे बोलो ना। ठीक है, ठीक है। नहीं बाद में बताया गया, बाद में बताया गया, दुनिया लोग सब भक्ति को ही मानने लगे जाएंगे। ज्ञानी को अभी अभी बेसिक में सारे भक्ति भक्ति को नहीं मानते हैं। अभी तू मैं यहाँ सामने देखो ना, अपने अंदर देख लो ना, अपने परिवार में। तो जब ब्राह्मणों की दुनिया में यहाँ सामने दिखाई पड़ता है, तो बाहर की दुनिया में और ब्राह्मणों की दुनिया में कोई किस धर्म के हैं, कोई किस धर्म के बीज हैं, कोई किस धर्म के बीज हैं, और इन पे तो मोटे मोटे छिलके चढ़े हुए हैं क्या? और धर्म वालों में तो पतले छिलके हैं जो अपने धर्म के नजदीक हैं, लेकिन दूसरे दूसरे धर्म में जो बीज हैं उनके तो मोटे मोटे छिलके, बड़े बड़े डंडे लगेंगे धर्मराज के, तब कहीं जाकर उनके छिलके उतरेंगे। कैसे भक्ति को छोड़ देंगे? अरे बोल रवीश, इतना याद है, याद इतना साथ में रहा इतने साल है, उसका क्या हाल हुआ? इतनी बार भट्टी कर करके आता है और फिर वही झाग मजीरा बनाना शुरू कर देता है। वही ज्ञान की टिक टिक। जगदम्बा तो रमेश भाई तो अलग बात है। अच्छा, रमेश भाई अलग बात है। जगदम्बा तो जगदम्बा तो ज्यादा सबसे ज्यादा संग का जंग में रही, सबसे ज्यादा मिलन मेला तो जगदम्बा ने मनाया भगवान बाप के साथ। फिर क्या हाल हुआ? वही उनका पूरा बात से एकदम वो अपोजिट अपोजिट पार्ट बजाती है। तो फिर उसके लिए तो कहें बाप की पहचान है, ज्ञानी कहें अज्ञानी कहें, लेकिन बाप तो बोलते हैं मैं पीछे बैकबोन रहकर उनको मदद करता हूँ। हाँ वो तो ठीक करता है, वो तो बाप तो 500 करोड़ में किसी को नहीं छोड़ता है जिसकी मदद न करता हूँ। तो बाप जो है इनको वर्तमान नहीं देखता। नहीं, इनको पार्ट को क्यों? बाप बाप क्या किसको देखता है? वर्तमान को देखता है या तीनों काल को देखता है? तीनों काल को देखता है। वो जानता है कि जगदम्बा नहीं होती तो इतने सब कहाँ से आ जाते? ये कोई कम महिमा की बात है क्या? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, और इतना टिकना भी कोई साधारण बात नहीं है। जगदम्बा टिक गई बाबा, जो समझ है वही टिकेगा ना, ये ज्ञान का समझ है वही टिकेगा ना, टिकेगा टिकेगा आज से अंत तक। तो वो आठ ही है जगदम्बा भी ऐसे ही है ना, जगदम्बा आठ में नहीं है, तो जगदम्बा आठ में नहीं है। इतनी समझदार नहीं है, इतनी समझदार होती तो जैसे आठ टिके रहते हैं ज्ञान में आने के बाद, ऐसे जगदम्बा भी आज से अंत तक सहयोगी बन के रहती, विरोधी बनकर हाँ नहीं दिखाई देती। और आपके अंदर तो इतने सारे ज्ञान है, सब कुछ है। मेरे अंदर ज्ञान है? नहीं, जो मेरे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसके अंदर तो सब कुछ है, लेकिन जड़ जड़ के अंदर जड़ है ना, उसके अंदर ब्रह्मात्मा रिश्ता तो दिखाए ना, वो क्यों? तो नाम ही है जड़ बुद्धि, जड़। उनका नाम क्या है? उनका नाम जड़ है कि चैतन्य है? तो जड़ में तो जड़ ही होगा ना, जड़ में ये तो तात्कालियां तो नहीं निकलेगा नहीं कुछ ये तो जो भी तात्कालियां निकलती हैं वो भगवान बाप को पहचानने वाली तात्कालियां हैं या भगवान को न पहचानने वाली तात्कालियां हैं? वो पहचानती है, वो तात्कालियां कहां भगवान को पहचानती है? वो जड़ बुद्धि है। अरे बोल ना, तो बोल अंदर से बोल बोल के चुप हो जाते हैं। उसके लिए क्या करें? मतलब किसके लिए क्या करें? याद करो और क्या करो? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या इधर उधर हो रहा है? मतलब जब इधर उधर हो बताओ ना, तुम अभ्यास करो बार बार, कभी साकार कभी निराकार, इसके लिए क्या करें? एक पे टिक जाओ, साकार में निराकार पे टिक जाओ। मुरली के अंदर हमेशा दो दो बातें बोलते हैं, इसके कारण बोलते हैं मुरली के अंदर।
मुरली के अंदर जो भी बात निकलती है दो दो बातें होते हैं, वो तुम्हारे अंदर जो भूत आता है वो बुलवाता है। जिसके अंदर एक भगवान आता है वो कभी दो बातें उसकी हो ही नहीं सकती, साबित ही नहीं कर पाओगे। बताओ कौन सी बात है दो दो बात। बाबा एक है ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा बाबा के अंदर बाबा ने मुरली खिलाया वो एक बाबा हो गया, और दूसरी है वो ब्रह्मा बाबा चला गया शिव बाबा के अंदर आ गया, वो किसको समझेगा? किसको समझेगा? किसको समझेगा बाप? किसको समझेगा? बाबा तो एक ही है। है तो एक ही, लेकिन उनमें अम्मा का पार्ट किसका है और बाप का किसका है? वो तो ठीक है, ये तो कहती है समझाओ बहन के, तुम पास नहीं बैठे पास बैठे उनको समझाओ। और ये राम भगवान और कृष्ण भगवान बोला गया ना, ये तो ये दुनिया वाले बोलते हैं कि हम बोलते हैं? ये हम बच्चे बोलते हैं राम भगवान कृष्ण भगवान, ये दुनिया वाले बोलते हैं? वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। तो लेकिन अभी वो बोला है कि जो कृष्ण भगवान है जो मतलब यादवों का हेड जो बोला गया ना, जो कौन बोला बोला गया मतलब कौन बोला? ज्ञानी बोला क्या? ज्ञानी बोला नहीं नहीं मतलब ऐसे समझाने के लिए। कौन समझाता है ऐसे बुद्धों की तरह? नहीं राम भगवान कृष्ण भगवान कैसेट है उसमें, कैसेट में नहीं बोलता है फालतू झूठ। नहीं नहीं कैसेट नहीं बोलता, वही कैसेट में क्या बोला कि राम भगवान कृष्ण भगवान जगदम्बा जगदम्बा भगवान? नहीं नहीं उनके क्लास में बोला गया। किनकी क्लास में? जगदम्बा भगवान है क्या? अरे एक भगवान सच्चा बोलेगा कि दो दो सच्चा बोलेंगे? जगदम्बा भी सच्चा बोलेगी 100%। जगदम्बा की वाणी में भी अगर जगदम्बा सच्ची होती तो त्रिमूर्ति का चित्र क्यों नहीं क्लैरिफाई किया? सब चित्रों के ऊपर जगदम्बा का क्लैरिफिकेशन है, चारों चित्रों के ऊपर, पांचों चित्रों के ऊपर, चारों, लेकिन त्रिमूर्ति के चित्र में कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? डाउट था तब नहीं दिया, डाउट नहीं था। बताओ, अरे जगदम्बा तो डब्बा है, उसका डब्बा के अंदर जो हीरा ब्रह्मा बैठता है वो उसकी बुद्धि में नहीं है क्या कि बाप कौन है? लेकिन वो भी तो मतलब हीरोइन है ना, कौन ये ब्रह्मा जो कृष्ण वाली आत्मा हीरोइन? जब हीरोइन है तो फीमेल है, माइनस है या प्लस है? माइनस है तो फिर बस खत्म बात हो गई। प्रवृत्ति मार्ग है ना? हाँ प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन उसके इक्वल दर्जा देना। हाँ इक्वल तब होगा जब वो गड्ढा भरा जाएगा तब, नहीं तो गड्ढा का गड्ढा ही रहेगा। फीमेल गड्ढा है ना, अरे ये बिजली में मेल फीमेल होता है ना, जो छेद है जिसमें छेद होते हैं उसे कहते हैं फीमेल प्लग, और जिसमें बाहर निकला हुआ है उसे कहते हैं मेल प्लग। तो दोनों एक जैसे हैं या अंतर है? वो गड्ढा है वो गड्ढा नहीं है, तो दोनों को जब मिला दिया जाता है तब बराबर हो जाता है। ऐसे ही वो अभी मिल गए क्या? नहीं, मिल जाएंगे, डायरेक्शन मिला है हम बच्चों को क्या? वो मिल जाएगा। क्या डायरेक्शन मिला है? ये बाप से आ जाएंगे। नहीं, विजय माला का आवाहन करो। नहीं वो फिर मतलब ये शंकर के थ्रू ही तो कृष्ण भगवान का पाठ चलता है क्या? शंकर नाम क्यों पड़ा? तीन तीन तो मिस है, तभी तो शंकर नाम पड़ेगा। कृष्ण भगवान मतलब ये भगवान भगवान तो तुम बोल रहे हो, दुनिया वाले बोलते हैं। मेरा कॉन्सेप्चुअल वे में मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो? मतलब बात मत बोलो, कॉन्सेप्चुअल में हम बच्चों के द्वारा एक एक शब्द तौल तौल के बोला जाना चाहिए। वो तो है, लेकिन मुझे लेकिन क्या माइंड में मतलब ये कॉन्सेप्ट फॉर्म करना है ना मुझे कि ये सही कॉन्सेप्ट है ये गलत कॉन्सेप्ट है, यही पूछ रहा हूँ मैं। बताओ ये गलत है? राम भगवान कृष्ण भगवान जगदम्बा भगवान ये सब गलत शब्द है। जगदम्बा तो भगवान नहीं है। हाँ जगदम्बा भगवान, राम भी भगवान नहीं है, कृष्ण भी भगवान नहीं है। तो वो तो प्रवेशता के लिए बोला गया है? तो वो तो प्रवेशता के लिए बोला गया था। हाँ कौन क्या बोला गया प्रवेशता के लिए? मतलब शिव बाप की प्रवेशता के लिए। शिव बाप? हाँ शिव बाप कृष्ण में प्रवेशता करता है। कृष्ण में प्रवेशता करता है तो कृष्ण कोमल पार्ट है या मृदुल पार्ट बोला है? मृदुल पार्ट बोला है। मृदुल पार्ट है तो अम्मा का होता है या बाप का होता है? मतलब तो अम्मा है, तो अम्मा कोई भगवान थोड़ी होती है।
दुनिया में कहीं माँ का रूप भगवान का माना जाता है? नहीं माना जाता। भारतवर्ष में भी माँ का रूप भगवान थोड़े मानते हैं। माँ अगर भगवान हो जाए और भगवान के रूप में पांड बजाने लगे तो संघ का रंग लगेगा और नीचे गिरेगी सारी दुनिया। इसलिए माँ का रूप भगवान का रूप नहीं हो सकता। भगवान का रूप तो बाप ही हो सकता है, मेल ही हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकता। तो एक ही तन से तीनों भगवान होंगे, मतलब एक ही तन के थ्रू ये राम भी भगवान और कृष्ण तो कहते एक ही होकर। हमारे अंदर कोई सोल है जो तुमसे कहलवाती है बार बार, बार 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 समझाने के बावजूद भी तुम कोई बात बोलते हो। आगे फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हैं? सही बात है, राम भगवान नहीं, बोलो बोलो, राम भगवान कृष्ण भगवान नहीं, जगदम्बा भगवान नहीं, विष्णु भगवान नहीं, शंकर भगवान नहीं, क्या कौन भगवान? शिव भगवान माने बिंदु आत्मा, बाबा माने साकार, शिव बाबा दोनों मिलकर के भगवान। राम तो प्लस बार 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 वही क्यों चले जाते हैं? राम वाली आत्मा कैसे आ गया? राम वाली आत्मा कैसे आ गया? क्योंकि बेटा एक मतलब सीधा बनने वाला है। राम वाली आत्मा कैसे आ रही है? अरे खेल कहाँ, संगम युग का है कि त्रेता युग का है? संगम युग का असली खेल कहाँ होता है? संगम में ही रहो ना, असलियत संगम से ढूंढेंगे या त्रेता युग द्वापर युग कलयुग कलयुग में ढूंढेंगे? असलियत कहाँ है? ड्रामा की असलियत कहाँ पर छिपी हुई है? कौन से युग में? संगम छिपी हुई है। मतलब शिव बाप उनका रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। शिव बाप मुकरर रथ में ही प्ले करता है। 108 आत्माओं में 108 रुद्रमाला के मणकों में शिव बाप प्रवेश नहीं करता। 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं प्रवेश करता। रुद्रमाला के सभी मणकों में बाप प्रवेश नहीं करता, सिर्फ एक में ही बाप प्रवेश करता है, बाप के रूप में। इसलिए वो करना चाहते हाँ, वो बाप जब संपन्न बन जाएगा तब 108 मणकों में प्रवेश कर सकता है। 108 क्या, वो तो सारी दुनिया को ही आपको पाई कर सकता है। इसलिए वो सर्वव्यापी कहा जाता है। सुप्रीम सोल सर्वव्यापी हुआ या प्रजापिता वाली आत्मा सर्वव्यापी हुई, सबकी बुद्धि में कौन घुस जाती है जब दुनिया में ताबड़तोड़ विनाश होता है? मौत का बाजार जब दुनिया में गर्म होगा तो सबकी बुद्धि में कौन याद आएगा? बिंदु निराकार याद आएगा या साकार याद आएगा? वो सर्वव्यापी हो गया। 2004 के अंदर तो शूटिंग पूरा हो गया, सचिव त्रेता द्वापर कलयुग शूटिंग पूरा हो गया, पूरा हो गया वो रुद्रमाला के लिए पूरा हो गया या विजयमाला के लिए पूरा हो गया? रुद्रमाला प्रैक्टिकल पार्ट तो अभी हुआ ही नहीं। अभी कौन सा पार्ट चल रहा है? अभी जो आने वाला है प्रैक्टिकल, विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल होता है या शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल होता है या ब्रह्मा के द्वारा प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल प्योरिटी से होता है। कौन है प्रैक्टिकल पार्टधारी त्रिमूर्ति में? तो विष्णु के द्वारा ही प्रैक्टिकल होता है। 2004 के बाद विष्णु का पार्ट है। अभी जो ये 2007 के बाद में जो आ रही है, 2004 के बाद जो आ रहे हैं, जो आ रही है वो कहते समझे वो शूटिंग तो पूरा हो गया, शूटिंग पूरी हो गई। मम्मी के अंदर तो आ रहे हैं ना सचिव द्वापरी कलयुग का शूटिंग हो गई, हो गया 2007 के अंदर। और उसका बाद में जो आने वाला क्या होंगे, तो बाद जो आने वाले हैं क्या होंगे? अभी जो है भर्ती किया सब कुछ किया उसका माने रुद्रमाला के मणके अभी नहीं आ रहे हैं? नहीं हम पूछ रहे अभी भी आ रहे हैं उनके उनके शूटिंग अभी भी आ रहे हैं क्या? रुद्र का पार्ट खत्म हो गया, ऊपर चला गया? रुद्र अभी भी तो है उनके लिए। हाँ जो रुद्र ग्रहों के जो पार्ट है उनमें अष्टदेव का पार्ट नहीं है। अष्टदेव जो आने थे
वो या तो यज्ञ के आदि में ही आ चुके या फिर पहले ही आ चुके 2004 से पहले। 108 में आने वाले अभी नहीं है, 16000 में भी आने वाले अब नहीं है, या तो यज्ञ के आदि में पूर्व जन्म में ही आ चुके। बाबा ने बताया है शिव तो पतियों का पति है, है? पतियों का पति है कौन? शिव। हाँ शिव बाबा, शिव नहीं, शिव बाबा पतियों, शिव कहेंगे तो आत्मा हो गई, आत्मा तो पति बनती ही नहीं। आत्मा क्या है? छोड़ आत्मा क्या है? शिव बाबा तो पतियों का पति है, पतियों का भी पति। और बाबा ने बोला अभी शब्द आत्माएं स्वाधीन है, देवताओं को भी सभी रंगीले कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, इस समय माताएं कन्याएं वो सफेद कपड़े पहने का क्योंकि अभी सदा काल के लिए स्वागत रहते हैं, ये अनिश्चय भी पैदा होता है। अरे बाप के ऊपर अनिश्चय पैदा होता है कि नहीं होता है ना, तो स्वागत है कि विधवा के घर अनिश्चय है तो मर गया, निश्चय है तो जिंदा है। क्लास के लिए सफेद कपड़े की बात, क्लास के लिए बाबा का डायरेक्शन है ना, मुरली में ये तुम्हारी रूहानी मिलिट्री है, मिलिट्री की तो फिक्स ड्रेस होती है, तुम्हारी ड्रेस है सफेद कपड़े, जब क्लास में बैठो तो सफेद कपड़े होने चाहिए सबके, रूहानी मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री की एक ड्रेस होनी चाहिए। फिर बाबा ने भी बताया सन्यासी का माना सफेद कपड़े वाले और लाल कपड़े वाले 24 घंटे पहनते हैं क्या? नहीं नहीं, वो सन्यासी लोग ऐसे वो ठीक है, वो पहनते हैं, वो बीके वाले वो सारे सफेद कपड़े पहनते हैं, वो सन्यासी तो है क्या? उनका पति जिंदा है, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, कौन पता ही नहीं क्या हो जाते मर गए। ये 108 की 2000 साल के चार से पहले ही बन गई है क्या? हाँ देखो देखो तुम क्या 108 ये 8 तो बन गए, 108 भी बन गए, 8 भी बन गए, 16108 भी बन गए। 2004 के बाद कोई गुंजाइश नहीं है 16108 से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आने वाले या तो पूर्व जन्म में ही आ चुके या तो इस जन्म में आ चुके ज्ञान में, एडवांस में भी आ चुके। अभी तो प्रजावर्ग की आत्माएं नई नई निकल रही है, लेकिन उनमें भी बहुत ऐसे हैं जो पूर्व जन्म में पार्ट बजा के आए हुए, इसलिए हम पहचान भी नहीं सकते। देहबान और देह अभिमान दोनों एक ही है या देहबान देहबान और देह अभिमान एक ही बात है? एक ही बात, अभिमानी चारों तरफ से योग अब योग रोशनी को सीधा देखने से आंख का खराबी हो सकता है, आंख की रोशनी को जैसे आप सूर्य योग बोलते हैं, सूर्य को सीधा आंख खोलकर देखने से आंख का कमजोरी आएगी या इसकी ताकत आएगी या कमजोर आंख अगर जड़ सूर्य को भी जो रचने वाला है उसे चैतन्य बाप की याद में होगा तो जड़ सूर्य की रोशनी कुछ नहीं कर पाएगी। सीधा देखना ठीक है, है? सीधा कोई वो देख ही नहीं रहा उसे, नहीं कोई मन जब है मन उस बाप में लगा हुआ है जो बापों का बाप है, जड़ का भी बाप है चैतन्य का भी बाप है वो, और उसकी याद में है तो उसे देख रहा है कि उसे देख रहा है?
तो असर होगा, होगा ही नहीं वो साधारण लोग सूर्य को सीधा जाकर साधारण लोगों को असर होगा नहीं, नहीं साधारण लोग, साधारण लोग जब सूर्य ग्रहण देखते हैं कहते हैं ना सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो आंखों से अंधे भी हो सकते हैं, हो भी गए किसी वो है, वो है जड़ सूर्य का ग्रहण, यह है चैतन्य सूर्य। ब्राह्मण दुनिया में चैतन्य सूर्य है या नहीं है? और चैतन्य सूर्य को जब विकारों का ग्रहण होता है और उसे कोई देखे तो बुद्धि खराब होगी अच्छी होगी, अंधा हो जाएगा मारे विकारों की, या सोचना रहेगा अंधा हो जाएगा, अनिश्चय बुद्धि हो जाएगी। कोई लोग बोलते हैं सूर्य को देखने से आंख की रोशनी जो कमजोरी है उसको आईना लगाने की जरूरत नहीं है, बोलते हैं सवेरे सवेरे 7 बजे का सूर्य निकलता है जड़ सूर्य है उसको देखने से अभी जो अभी आईना लगाते हैं सब कुछ करते हैं। आप जा रहे हैं भक्ति मार्ग वालों की तरह, ये रामदेव की सिखाई हुई बातें हैं, वो अभी भक्ति मार्ग में ही चल रहे हैं। शिव बाबा ने आपको चैतन्य सूर्य को देखने के लिए बोला हुआ है, चैतन्य सूर्य को देखना लोग कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं तो जैसे वो उल्टा बच्चा बोलता है वैसे ही आप भी बोलना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं लोगों से हमें क्या लेना देना, बने तो उधर मालूम है ये सारे बड़े पड़े हैं दुनिया के लोग, इतना सुनाते हैं इतना संदेश देते हैं, सुनते हैं क्या वो सब बड़े पड़े हैं, आप हुए मर गई दुनिया। और ज्ञान में चलने वाले ढेर के ढेर ऐसे हैं, कोई रामदेव की तरफ जा रहे हैं, कोई कृष्णदेव की तरफ जा रहे हैं, कोई आसाराम बापू की तरफ जा रहे हैं, कोई विष्णु पार्टी में जा रहे हैं, ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा समझ गए, देर हो रही है, बस बस करो बताओ। राम और कृष्ण कौन सी आत्मा का पार्ट है? राम तो भगवान दिखा दिया, वो तो अलग हो गई, और महाभारत में भागवत में कृष्ण को भगवान दिखा दिया, लेकिन वो सच्ची बात है या झूठी बात है? वो झूठी बात है, वास्तव में भगवान कौन है? कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट नहीं है, राम वाली आत्मा का पार्ट है। फिर राम वाली आत्मा का पार्ट जब कृष्ण है भगवान के रूप में, तो फिर बलराम किसका पार्ट है? अभी तो बोला भगवान तो वास्तव में राम है, जो रामायण में तो सच्चा सच्चा दिखाया गया राम भगवान है, लेकिन महाभारत में झूठा दिखा दिया, भागवत में भी गीता में भी झूठा दिखा दिया कि भगवान कौन है? कृष्ण है, कृष्ण नहीं है भगवान, नाम रख लिया है कृष्ण, लेकिन है किसका पार्ट? राम वाली आत्मा का पार्ट है। तो राम वाली आत्मा जब महाभारत में भी भगवान के रूप में पार्ट बजा रही है और रामायण में भी भगवान के रूप में पार्ट बजा रही है, तो फिर वास्तव में बलराम और लक्ष्मण किसका पार्ट है? कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। जो लक्ष्मण है उनको शेषनाग का अवतार दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं, वो जो 7 खन हैं जो उनकी रक्षा करते हैं बलराम के रूप में, भगवान की रक्षा करते हैं ना कृष्ण, विष्णु के ऊपर भी कौन दिखाते हैं? वो ही 7 सर्प शेषनाग के रूप में, तो वो 7 शेषनाग वास्तव में किस आत्मा का पार्ट है? हैं? 7 नारायण कम कला वाले,
वो कम कला वाले नारायण किससे जन्म लेते हैं, किसकी पैदाइश है? कृष्ण वाली आत्मा की पैदाइश है, जो सत्युग में पहला प्रिंस बनता है। इसलिए जो कृष्ण का पार्ट दिखाया है वो बलराम का पार्ट है। वास्तव में बलराम को कौन सा शस्त्र दिखाते हैं? हैं? हल धर, जो जोता जाता है ना जमीन में, उसका शस्त्र दिखाया है हल। क्या हल भी कोई शस्त्र के रूप में यूज किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है नहीं, एक रूपक दिखाया है ताकि मनुष्यों की बुद्धि में जल्दी समझ में आ जाए कि धरणी को चीरने वाला ये शस्त्र है। कौन है धरणी? है ये कन्या माता है, धरणी है। और बलराम का शस्त्र जो है वो हल है, वो धरणी को चीरता है। तो धरणी को चीरना अच्छा काम है या बुरा काम है? प्राकृतिक काम है या अप्राकृतिक काम है? अप्राकृतिक काम है। सत्युग त्रेता में कोई हल नहीं चलाएगा। हल कहां चलाया जाता है? द्वापर कलयुग में। ये अप्राकृतिक काम, नेचर के विपरीत काम द्वापर कलयुग में किए जाते हैं। और मूल करने वाला कौन है? अरे शुरुआत करने वाला कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। वो ही कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा की बुद्धि को घुमाने वाली है, उसके ऊपर सवार है। जब सवार होती है पूरी रीति तो धरणी को चीरती है। अब युद्ध चलता है दोनों में। युद्ध चलेगा तो कभी एक हार खाएगा, दूसरा जीत पहनेगा। दूसरा जीत पहनेगा तो एक हार खा जाएगा। ये युद्ध चालू है। एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी जहां ये स्पष्ट हो जाएगा सारी दुनिया को कि ये बैल ही वास्तव में नाली का जल पीने वाला है। राम वाली आत्मा तो उस जलाधारी के नाली की तरफ नहीं दिखाई जाती है। राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाते हैं, राम को तो विकारी नहीं दिखाया जाता। राम वाली आत्मा भगवान के समकक्ष पहुंचती है पुरुषार्थ में। इसलिए अभोक्ता की स्टेज पर पहुंचती है। कष्ट वाली आत्मा को भोगी के रूप में दिखाया गया है। यही वेद का अर्थ है। यह अभी अर्जुन की हार है और मोरध्वज की जीत हो रही है, लेकिन सदाकाल के लिए नहीं है। ये जीत अल्पकाल की है या सदाकाल की है? अल्पकाल की है। ये अल्पकाल की जीत देहधारी गुरुओं की जीत है या भगवान की जीत है? देहधारी गुरुओं में सबसे बड़े से बड़ा गुरु कौन है? कृष्ण वाली सोल। और बुद्धि को घुमा देती है। ये वेद का अर्थ है। यज्ञ में ये मन रूपी घोड़ा छोड़ा गया, संक्षेप्तर से ही छोड़ा गया, संक्षेप्तर से ही उस घोड़े को पकड़ लिया। किसने है? कृष्ण वाली आत्मा ने पकड़ा हुआ है। नाम दे दिया है मोरध्वज। ओम शांति। टाइम हो गया, दो पर्चे और बटे बचे हुए हैं, पूरे कर दें। हैं?
कोई उठना नहीं चाहता बाबा। हाँ अंको ग्रामीण नाम है शुक्रवार। हाँ बांग्लादेश से आए दो भाई। हाँ हमारे ग्रामीण नाम शुक्रवार 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 दिलेर दिलेर शुक्रवार अंको ग्रामीण नाम का शुक्रवारी गांव का नाम है। गांव का नाम शुक्रवारी है। गांव का नाम उसका क्या है? शुक्रवारी 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 शुक्र तारा होता है सितारा। एक सितारे का नाम है शुक्र तारा शुक्र तारा। एक गुरु का नाम है शुक्राचार्य और वो है शुक्रवाड़ी। बाड़ी माने बाग बगीचा। किसकी बाड़ी? किसकी बाड़ी? शुक्राचार्य की बाड़ी है। शुक्र मारी शुक्र मारी नाम है। मारी मारी, मारी। ओहो शुक्र कहते हैं सुअर को। शुक्र कहते हैं सुअर को। सुकर सुकर अवतार सुअर का अवतार। और मारी माने मार दिया। क्या किसको मार दिया? शुकर को मार दिया। उस बाड़ी उस जगह का नाम पड़ा शुकर मारी। तो जहां शुकर अवतार शुकर को मारा गया शुकर ने मारा उसका नाम पड़ गया शुकर मारी। शुकर को मार दिया शुकर ने मार दिया शुकर को नहीं मार दिया शुकर मारी। जिसको जिस स्थान पर शुकर ने मार गिराया शुकर ने है शुकर ने शुकर ने हाँ माने शुक्र अवतार ने जहां मार गिराया। किसको मार गिराया था? शुकर ना दो दैत्य थे एक हिरण्यकश्यप और उसके भाई का नाम हिरण्याक्ष। हाँ हिरण्याक्ष को शुक्र अवतार ने मार गिराया। तो जहां मार गिराया उस स्थान का नाम पड़ा शुक्र मारी। ऐसे नाम रख दिया है। और गंगापुर का क्या अर्थ है? गंगापुर का गंगापुर माने गंगा का बसाया हुआ पुर गंगा का बसाया हुआ शहर। और बांग्लादेश वाले भाई बोलना चाहते हैं लेकिन वो आप बोल सकते हो बंगला समझते हैं फिर हम बता देंगे। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला परंतु बाबा के घर में मांग मांग करके खाना पड़ता है इसका क्या फल मिलेगा? बाबा कह रहे हैं कि बाबा घर मांगना मना है और बिना मांगे खाने को मिलता नहीं फिर मांग मांग के खाना पड़ेगा तो क्या होगा? छोटा बच्चा है एक बड़ा बच्चा होता है। एक छोटा बच्चा होता है उसको अहंकार होता है, है? नहीं होता। तो तुम बेबी बच्चे हो या बड़े बच्चे सगीर बुद्धि बच्चे हो? तो सगी जो छोटी बेबी बुद्धि बच्चा होता है वो माँ भूख लगती है तो मांगता है कि नहीं मांगता है? तो क्या बड़ी बात हो गई? इसमें नियम के विरुद्ध तो नहीं है वो कहने का मतलब ही है। क्या बाबा ने मांगना मांगने से भी बता तो दिया। ये देवान के मारे मारे ऐसे पड़े हैं कि हम खिलाने वाले हैं हम लड्डू पेड़ा खिलाएंगे हम खाएंगे नहीं। वास्तव में जिनको देवान भरा हुआ है वो सबसे बड़े मांगने वाले हैं। क्या? हाँ और जो सहज सहज हैं दीदी बहन जी यज्ञ माता भूख लगी है शिव बाबा का घर है तो क्या बड़ी बात है? मांगना कहाँ होता है? जहाँ हमारा हक है वहाँ हमने मांग लिया। पत्नी है पति से मांगती है हमें
सफर खर्च के लिए सेंटर पर जाने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, वो मांगना कहा जाएगा कि वो अपना हक मांग रही है। तो ऐसे ही यहाँ बाप के बच्चे जो बाप के घर में हैं, खाना मांग के लेते हैं, तो ये हक है उनका या भीख मांग रहे हैं? हक है उनका। बाबा लौकिक संबंध में कोई बीमार होता है, शरीर छोड़ता है, लौकिक संबंध में कोई बीमार है शरीर छोड़ता है तो जाना है या नहीं जाना है? लौकिक संबंध है या नहीं है? जब लौकिक संबंध है तो निभाना नहीं है। ये कई मुरलियों बोला है कि संबंधों को निभाना नहीं है, संबंध है तो निभाना है। गृहस्थी है तो लौकिक अलौकिक दोनों में बैलेंस रखना है या नहीं रखना है? रखना है। बैलेंस रख के चलेंगे तो सहज होगा। बाबा फिर वहाँ जाने से बोलता है सर का बाल कटाने के लिए, वो लोग भोज वगैरह करता है उसमें हेड होने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। पहले उनको समझाने की कोशिश करो। वो तो रुको रुको रुको, अगर तुम में ताकत है या योग बल की और ज्ञान बल की ताकत है तो तुम्हारे समझाने से वो मान भी जाएंगे, अच्छा तुम रहने दो। अगर नहीं भी ताकत है, नहीं भी ताकत है तो कह दो अच्छा भैया कटा लो, बाबा को याद करते जाओ कटाते जाओ, हमारा कुछ बिगड़ गया है? ज्यादा से ज्यादा ये बिगड़ गया कि हम ब्राह्मणों की दुनिया में संगठनों के बीच में आवेंगे तो हंसेंगे ये क्या करके आए, हंसने दो उनको, उनके हंसने से हमारा क्या जाता है? अरे हमने लौकिक तोड़ निभाई, उस लौकिक तोड़ निभाने में अपने संबंधियों को हमने नाराज नहीं होने दिया। लौकिक संबंधी हमारे अलौकिक संबंधियों के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं या निष्कृष्ट हैं? है? क्यों? क्योंकि अलौकिक संबंधियों ने हमको धक्का ही दे दिया, अपने परिवार के बीच रखा नहीं। अलौकिक संबंधी आज भी हमको आओ आओ अपने आने के लिए बोलते हैं, आज भी हमको छोड़ा नहीं है। तो दिल का प्यार किसके पास है? लौकिक संबंधियों के पास दिल का प्यार है। उस दिल के प्यार को हमें तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए? अरे हमारा क्या जाता है, घंटड़ी बजा दो, देवता की पूजा कर दो, भक्ति में अरे हम अंदर से तो हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा नहीं जानता कि ये भगत है कि ज्ञानी है? बाबा दिल को देखता है या बाहर के इंद्रियों को देखता है? दिल को देखता है। उसका तो बाप का नाम ही है दिलवाड़ा बाप, वो दिल वाला है इंद्रियों वाला नहीं है। तो बताओ, कोई शरीर छोड़ता है, कोई बीमार है तो जाना है या नहीं जाना है? एक आदमी बोला इतने बैठे हुए में से, जो तुरंत बोला इसका मतलब उसकी बुद्धि में पक्का बैठ गया कि नहीं जाना चाहिए, और जो नहीं बोले अभी भी बुद्धि में बैठ नहीं रहा है, माने आ जा मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। बाबा नष्ट हुआ कैसे बनेंगे? अच्छा मोहा कैसे बने? वो सिखाना नहीं पड़ता है, वो सिखाना नहीं पड़ता मोहा में। 63 जन्मों में जो मोह पैदा किया है वो कैसे पैदा किया?
अरे देह अभिमान के कारण मोह पैदा किया, और एक से नहीं किया मोह पैदा, कितनों से किया? अनेकों से मोह पैदा किया। एक को छोड़ते गए और अनेकों को, अनेकों के साथ जुड़ते गए। अब क्या करें? कैसे का जवाब आ गया, क्या करें? अनेकों को छोड़ के। अरे ये किसका जवाब सवाल है, वो समझा कि नहीं समझा? जिसका सवाल है वो समझे तब बात है। बताओ नष्ट हुआ कैसे बने? नेपाली में बोल दो। अरे नेपाली में ही बोल दो, बोलो भाई इनको बताओ। बोलो नेपाली बताओ नेष्ट मोहा कैसे बने? नष्ट मोहा कैसे बनी नहीं है शब्द को। अरे सीधा सा ऐसा है, 63 जन्म क्या किया जो मोही बन गए, औरों के संग जोड़ा एक संग तोड़ा, क्या हुआ? एक के साथ तोड़ते गए और अनेकों के साथ जोड़ते गए। अब क्या करें जो नष्ट मोहा बन जाए? उल्टा करें, क्या करें? और संग तोड़ एक संग जोड़। ओम शांति।